दरखास्त की खास पेशकश में बिलाल अहमद टूडा आज तक न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम नगीना खंड के इमामनगर गांव में पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, यहां पर जो है 11,000 वोल्टेज की लाइट है। जहां पर मैं खड़ा हूं मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये तार बिल्कुल है जो है 11,000 वोल्टेज की लाइट है, ये सीधी जो गुजर रही है। और इधर मैं दिखाना चाहूंगा कि मकानों के ऊपर से गुजर रही है, जबकि बिजली विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग अपनी कुमकर्णी नींद से नहीं जाग रहा है। जबकि इस परिवार को और जो इसके जिनके ऊपर के जिन घरों के ऊपर के लाइन गुजर रही है, इन परिवारों को पूर्ण तरीके से जान माल का खतरा बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, इधर मैं दिखाना चाहूंगा बिल्कुल इस परिवार की यहां जो भैंस वगैरह बनती है और उनके ऊपर से ही ये 11,000 वोल्टेज की जो लाइट है वो गुजरती है। और एक युवक हमारे साथ है, ये बताएंगे आखिरकार कब से ये लाइन यहां से है और कितने फुट का ये टुकड़ा है जो आपके मकानों को ऊपर के दे रखा है। क्या नाम है जी आपका? जफर अहमद। तो जफर, ये जो लाइन है कहां से कहां जा रही है? नगीना से मरोड़ा फीडर बोलते हैं इसको, पुरानी लाइन है। नगीना से मरोड़ा फीडर। तो यहाँ पे जो आपके घरों के ऊपर की गुजर रही है, कहीं आपने शिकायतबाजी इसकी की? कई बार शिकायत की, इसकी लापरवाही करते हैं विभाग वाले, कहते घट जाएगी, अभी कोई ऐसी बात आई नहीं है सरकार की तरफ से, इसको हम हटा देंगे। लेकिन इससे कई बार हादसा भी हो चुका है, कई बार तार टूट के नीचे गिर पड़ा है, ज्यादातर बच्चे बच्चे पकड़ भी लिए हैं, लेकिन वो कुदरत ने बचा दिया। करंट कई बार लग चुका है, पेड़ों में भी गुजर रही है और पेड़ों में आए दिन बरसात के मौसम में आग लगती रहती है। तो अब आप यानी कि जो है बिजली विभाग से क्या मांग करना चाह रहे हैं? बिजली विभाग से ये मांग करना चाह रहे हैं कि गरीब परिवार है, दूसरी कोई जगह नहीं रहने के लिए, यही एक छोटा सा टुकड़ा है रहने के लिए। दो भाई हैं हम, दोनों के मकान के ऊपर की लाइन गुजर रही है, भैंस और बकरी और बच्चों के लिए हर वक्त खतरा, जान का खतरा बना हुआ रहता है, इसको हटा दिया जाए, प्रशासन से हमारी मांग है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, जो पीड़ित युवक है, मैं तो पीड़ित ही कहूँगा कि जिसके घर से ये पूर्ण रूप से मौत गुजर रही है, मैं इसको मौत नाम दूंगा, 11,000 वोल्टेज किसी के घर के ऊपर है, बिल्कुल जस्ट ये तार है बिल्कुल नीचे हैं और यहाँ पे जो है दो घरों के ऊपर के ये टुकड़ा है जो पूरा गुजर रहा है 11,000 वोल्टेज का। कभी भी कोई बड़ा हादसा होने से यहाँ इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि युवक ने बताया पहले भी कई बार इससे जो है हादसे हो चुके हैं, लेकिन कुदरत ने सब कुछ ठीक रखा। कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को ये परिवार शिकायत कर चुका है, लेकिन बिजली विभाग का अधिकारी अपने ही कुमकर्णी नींद से नहीं जाग रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार का बिजली विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन से मांग है कि इन तुरंत प्रभाव से 11,000 वोल्टेज के इन तारों को हटाया जा सके, जिनकी इनकी माल की सुरक्षा यानी जान माल की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो सके।